नंगे बदन खड़ा यह 70 साल का बुजुर्ग मौलाना इंसान नहीं, असल में हैवान है। वो हैवान जो छोटी छोटी बच्चियों पर गंदी निगाह रखता था और मौका मिलते ही उनके साथ दुष्कर्म की कोशिश करता था। इस हौसी मौलाना से पूरा मोहल्ला परेशान था, लेकिन कल रात ये रंगे हाथों पकड़ाया और अब इसके पाप का अंत हो चुका है। दरअसल शुक्रवार की रात ये 7 साल की लड़की को अपने चिंगुल में फंसाकर उसके साथ रेप करने ही वाला था कि अचानक उसके घर भीड़ पहुंच गई और दरवाजा तोड़कर उस बच्ची को बचा लिया गया। क्योंकि मौलाना पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, इसलिए मोहल्ले के लोगों की नजरें उस पर हरदम रहती थी। वो जुमे के दिन टॉफी के बहाने एक 7 साल की बच्ची को कमरे में ले गया था। तभी एक युवक ने कई लोगों को मौके पर बुला लिया और इसे रंगे हाथ पकड़ा। जब दरवाजा तोड़ा गया तो ये नंगे बदन था और बच्ची को भी इसने निवस्त्र कर रखा था। अचानक लोगों की भीड़ देखकर मौलाना डर गया और वहां से भाग निकला। इस मामले में अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही पुलिस उन बच्चियों की तलाश में भी जुट गई है जिसके साथ इसने पहले ऐसी हरकतें की है। मामला कानपुर के ग्वालटोली इलाके का है। यही पर यह 70 साल का मौलाना मुख्तार रहता था। लोग इसे चचा चचा कहकर पुकारा करते थे, लेकिन चचा नहीं, ये शैतान था। ये पहले भी कई बच्चियों के साथ बहला फुसला कर दुष्कर्म कर चुका है। वो ज्यादातर ऐसी बच्चियों को शिकार बनाता था जो किसी को कुछ न बता सके। मौलाना की इस हरकत से पूरे मोहल्ले के लोग परेशान थे। वे कई दिनों से आरोपी को पुलिस के हवाले करने की योजना बना रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से लोग अपनी बच्चियों को घर के बाहर अकेले भेजने से भी डरते थे। लेकिन अब इसके कारनामे का पर्दाफाश हो चुका है और अब पुलिस इसकी जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। थाना ग्वालटोली में बकवारी की घटना सामने आई है, जिसमें एक 70 वर्षीय मौलाना मुख्तार जो मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची 7 वर्षीय बच्ची को चॉकलेट के बहाने अपने घर में बुलाया और एक गलत काम करने का प्रयास किया, जिसे एक व्यक्ति ने देख लिया और तुरंत पकड़ लिया। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, सुरक्षित है और बच्ची घर वालों की तरह तहरीर दी गई, जिसमें मुकदमा पंजीत किया जा रहा है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई। ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह के बुजुर्ग मौलाना को इस हालत में गिरफ्तार किया गया हो। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई वारदातें पहले भी हो चुकी है जो चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।